यदि मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट की अर्निंग 1 रुपये की है, तो यह 1 रुपये की अर्निंग किन किन क्षेत्र से होकर के आता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा 34 पैसा बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज यानी उधार और देनदारी से कमाती है, मतलब सरकार ने जो कर्ज दे रखा है उससे। इसके बाद सबसे ज़्यादा 17 पैसा सरकार कमाती है GST से। ऐसे ही गवर्नमेंट की अर्निंग इनकम टैक्स से 15 पैसा, कॉरपोरेट टैक्स से 15 पैसा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसा, इसके अतिरिक्त नॉन टैक्स रिसिप्ट से 6 पैसा, जो सरकारी कंपनी का मुनाफा शामिल होता है और सरकार ने जो निवेश कर रखा है उससे जो रिटर्न मिलता है इसको शामिल किया गया है। ऐसे ही कस्टम से 4 पैसा, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 2 पैसे कमाई कर लेती है। ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट 8 तरीकों से पैसा कमाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा 34 पैसा कर्ज से आता है यानी बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज से। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।